Hello my lovely dear student, today I will discuss one important question of the class 10 mathematics and the chapter 4 arithmetic progression. So student, look at here, this is the most important question. It will be come in the mostly time in the examination of the board. So student, look at here, what is this question? If p term is a q and a q term is a p of an arithmetic progression, then prove that p plus q term is a zero. हमको ये प्रूफ करना है कि p प्लस q टर्म क्या होना चाहिए, जीरो. सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, है ना, देयर आर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला क्या है ना, फार्मूला क्या है उसके हिसाब से मैं बनाता हूँ. फार्मूला होता है आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना. सो लेट फर्स्ट term is a and common difference is d. ये आपका d है, ये आपका a है, इतना आपको ये ले लेना है स्टूडेंट, है ना. देयर फर्स्ट टर्म इज एन d. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस pith term means a p is equal a plus n की जगह क्या रखेंगे, p p minus 1 d. वो क्या है आपका pith term, क्या है आपका ये जो है a p, pith term क्या है आपका q है. तो हम सेकेंड स्टेप लिखेंगे q is equal a plus p minus 1 d, equation 1 and qth टर्म, तो सेम इट इज लिखेंगे. तो qth टर्म क्या है, qth टर्म आपका p है, तो qth टर्म आपको क्या हो जाएगा, p हो जाएगा. तो qth टर्म हम रखेंगे तो एक्चुअली में ये हो जाएगा आपका p इज इक्वल a प्लस, है ना, q माइनस वन डी. दिस इज इक्वेशन टू, है ना, इक्वेशन टू. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन एंड टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस, है ना, पी माइनस वन डी. अब ये जो आपका क्यू है उसको इधर को इस इधर लिख रहा हूँ, ठीक है. देन ए प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल पी. अब सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ऐसे हो गया. देन ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये क्या होगा, डी डी, देखो डी डी दोनों में क्या है, कॉमन है. तो पी माइनस वन, है ना, माइनस यहाँ करेंगे तो क्यों क्या हो जाएगा, माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, और डी कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी. देन प्लस माइनस यहाँ पे भी कैंसल आउट हो गया, तो पी माइनस क्यू डी इज इक्वल क्यू माइनस पी. अगर हम डी इज इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी और पी माइनस क्यू, ये हो गया. लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें, स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, d की जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, ये हम करेंगे तो ये आपका आगे पीछे करेंगे तो माइनस पी माइनस, पी माइनस क्यू और पी माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू आपका आ जाएगा माइनस वन. हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले फाइंड करना है d, क्या फाइंड करना है, d की वैल्यू, वैल्यू ऑफ d. देन आप क्या करें स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, अब हमको a फाइंड करना है क्योंकि हमने माना था कि फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म d, तो हमेशा इसमें d पहले निकलता है. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन वन में हम क्या रख देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा a प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल क्यू, यही इक्वेशन वन है आपका. तो ए प्लस पी माइनस वन और डी की वैल्यू क्या है, माइनस वन, हो गया क्यू. हमको ए फाइंड करना है तो हो जाएगा क्यू, है ना, क्यू ये माइनस, इधर क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा इधर अगर ट्रांसफर करूँगा ये, तो पहले क्या करें, तो इसको ट्रांसफर पी माइनस वन, है ना, मल्टीप्लीकेशन माइनस वन. देन ये हो जाएगा क्यू, ये माइनस प्लस, है ना, पी माइनस वन, ठीक है, पी माइनस वन, ये आपका क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गया.
लास्ट में आपको क्या बोला गया, आपको ये बोला गया है कि आप वैसा टर्म फाइंड करो है ना, पी प्लस क्यू टर्म जिसकी वैल्यू जीरो हो जाए। सो है ना, सो पी प्लस क्यू टर्म, तो पी प्लस क्यू टर्म क्या होगा, ए पी प्लस क्यू टर्म इज इक्वल ए प्लस एन की जगह क्या रख देंगे, एन की जगह पी प्लस क्यू टर्म और माइनस फार्मूला का वन, और ये हो जाएगा डी। तो इसमें ए और डी की वैल्यू रख देंगे, तो ए की वैल्यू आपका क्या है भाई, ए की वैल्यू ए प्लस, इसको ओपन कर सकते हो, पी माइनस वन, पी माइनस वन प्लस पी प्लस वन माइनस वन, और डी, डी की वैल्यू है माइनस वन। तो ये जो माइनस वन है ये इसको, ये वाला ब्रैकेट के बाद इसको क्या करेगा, माइनस, तो क्यू प्लस पी माइनस वन यहाँ पे कर देगा माइनस, तो पी प्लस क्यू माइनस वन। अब क्या करेगा ये पी, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यू प्लस पी माइनस वन, ये माइनस इंटर करो, माइनस पी माइनस क्यू और प्लस वन। तो देख दो यहाँ पे, देखो पी प्लस में माइनस में है, क्यू प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गया, जीरो। तो पी प्लस क्यू टर्म मतलब ए पी प्लस क्यू टर्म आपका क्या आ गया, शुड बी जीरो, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, और वो भी कितने मार्क्स में, 6 मार्क्स में आता है, ठीक है। आई होप सबको ये समझ आया होगा, और समझ आएगा तो बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।